भगवान राम का जन्म चैत्र मास में नवमी तिथि के दिन हुआ। दिन के ठीक 12 बजे कब हुआ? दिन के 12 बजे, और तिथि कौन सी थी? नवमी तिथि। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि भगवान चाहते तो अष्टमी को भी आ सकते थे, सप्तमी को भी आ सकते थे, लेकिन भगवान कब आए? नवमी तिथि के दिन आए। क्यों आए? इसका भी कारण है। अब एक प्रश्न पूछती हूं, आप बताइए, एक अंक में अगर आपसे पूछा जाए, एक अंक में सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है? एक अंक में सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है? जोर से बोलिए, 9 होती है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग 9 का पहाड़ा भी पढ़ लेते हैं। वैसे याद है ना 9 का पहाड़ा? हाँ, तो जोर से बोलिएगा, 9 एकम, जोर से बोलिए, हमको सुनाई थोड़ा कम देता है। 9 एकम, 9 दुनी है 18, 8 एक, गुणा भी करना है और जोड़ना भी है। 8 एक 9, 9 त्री है 27, हाँ 7 दो 9, 9 चौके 6 तीन 9 पचे 45, 5 चार 9 छके है 54, 5 चार 9 सात है 63, 6 तीन 9 अठे 72, 7 दो 9 नवा है 82, 81, 8 एक 8 है, क्या आया? गुणा करें या जोड़ करें, कितना आएगा? 9 ही आएगा। ये कभी कटने वाला नहीं है, विषम संख्या है। इसीलिए महाराज भगवान नवमी तिथि के दिन अवतार लिए। क्यों अवतार लिए? भगवान के जीवन में चाहे जैसी स्थितियां आए, चाहे जैसा समय आया, भगवान सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़े, भगवान उस मार्ग से कभी नहीं हटे। हम लोग के जीवन में थोड़ी कठिनाइयां आए, थोड़े दुख आए, तो हम लोग सब कुछ त्याग देते हैं, अब जैसे अपना काम बने चलो बनाओ, ऐसा नहीं। भगवान ने कोई भी परिस्थिति आई, भगवान अपने सत्य के मार्ग का कभी त्याग नहीं किए। अच्छा अब बताइए, भगवान क्या खाने से हुए? क्या खाने से भगवान हुए थे, भूल गए क्या? माताओं ने क्या खाया था? खीर की खिचड़ी, खीर खाया था ना, खीर खाया था। अच्छा भगवान खीर ही खाने से क्यों हुए? खिचड़ी खाने से भी हो सकते थे, रसगुल्ले खाने से हो सकते थे, लेकिन क्या खाया माताओं ने? खीर खाया। अब खीर बनता कैसे है? खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? जोर से बोलिए, दूध और चावल और चीनी, तीन चीजों की तो मुख्य आवश्यकता होती है। चावल कहां से आती है? हैं? धान से। और धान कहां से आता है? खेत से। खेत में बोता कौन है? किसान। तो ऐसे ही तो बोते नहीं है, मेहनत करनी पड़ती होगी। ऐसा तो है नहीं कि बस बो दिया और धान घर में आ गया। भाई बोते होंगे, जुताई करते होंगे, उसमें मेहनत करते होंगे, तब जाकर के फिर धान की कुटाई होती होगी, फिर धान साफ होता है, फिर चावल आता है, फिर चावल को धुल के तब जाके खीर बनता है। अर्थात कर्म रूपी चावल। अब क्या बचा? दूध। अब दूध किसका? बुरा न मानिएगा, भैंस का दूध नहीं, किसका दूध? गाय का दूध चाहिए। गाय का ही दूध क्यों? आपने देखा होगा, अगर बच्चों को बुद्धिमान बनाना है,
बच्चों को अगर बुद्धिमान बनाना है तो उन्हें गाय का दूध पिलाइए, क्योंकि गाय का दूध पीने से बुद्धि बढ़ती है, विवेक बढ़ता है, लेकिन गाय का दूध पीने से, भैंसिया का दूध पीने से नहीं। और आप प्रमाण भी देख सकते हैं, गाय का बछड़ा जैसे ही पैदा होता है क्या होता है, तुरंत दौड़ने लगता है, दौड़ता है कि नहीं। और भैंस का जैसे होता है वो पड़ा ही रहता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, पड़वा। अब वो पड़ा ही रह जाता है, इसलिए उसे कहते हैं पड़वा। तो दूध किसका हो, गाय का दूध हो। भाई जिसके पास भैंस होगी बुरा न मानिएगा, लेकिन जो है सो बता रहे, गाय का दूध विवेक। अब क्या बचा, शक्कर बचा, चीनी बचा। अब ये चीनी क्या है, कहा भक्ति रूपी शक्कर। जब भक्ति रूपी शक्कर, कर्म रूपी चावल और विवेक रूपी दूध, इन तीनों का जब मिश्रण होगा तब जाकर के आपके जीवन में भगवान राम का अवतार होगा। बोलिए रामलला सरकार की जय हो।